आम आदमी पार्टी की मीटिंग आप पार्टी के जिला दफ्तर में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में बनेगी आपकी सरकार। आम आदमी पार्टी की मीटिंग आप पार्टी के जिला कार्यालय में सोमवार को आयोजित की गई थी। मीटिंग की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने की। मीटिंग के बाद आप पार्टी जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने मीडिया के समक्ष बताया कि आम आदमी पार्टी की जिला जींद में आयोजित बदलाव जनसभा की चर्चा हरियाणा के घर घर में है। जनसभा में उमड़े जनसैलाब ने दिखा दिया कि प्रदेश की जनता खट्टर सरकार से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि जींद में उमड़े जनसैलाब ने दिखा दिया कि हरियाणा के लाल केजरीवाल की गारंटी के साथ हरियाणा की जनता खड़ी है और 2024 में दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बदलाव जनसभा में केजरीवाल 1,00,000 बिजली के बिल लेकर पहुंचे, इसकी पूरे हरियाणा में चर्चा है। दिल्ली में जनता को फ्री बिजली मिल रही है, पंजाब में 90% से ज़्यादा लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा की जनता भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाकर अपने बिजली के बिल को ज़ीरो करवाएगी। उन्होंने कहा कि जींद महासभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मुख्यमंत्री ने बताया था कि पंजाब में 40,00,000 घरों में ज़ीरो बिजली के बिल आ रहे हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में महज 20 महीने में 42,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि जींद जनसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया है कि वे ईडी और सीबीआई से नहीं डरते हैं, उन्होंने हरियाणवी खून है जो जनता की भलाई के लिए जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा की जनता भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान ओबीसी विंग जिलाध्यक्ष गुरचरण सिंह कर्णपुर, एक्स सर्विसमैन विंग के जिलाध्यक्ष कैप्टन अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे। जो जींद रैली थी वो इतनी ज्यादा लोगों ने वहां पहुंच के उस रैली को कामयाब करा। उस रैली के अंदर इतना बड़ा जनसैलाब था कि जितने लोग अंदर थे उससे भी कई गुना लोग बाहर थे और जींद की सभी सड़कें कल रोड जाम थे और बीजेपी सरकार को और विरोधियों को पता चल गया कि जो मारे और उनके पिछले आज तक इतनी बड़ी रैली किसी भी पार्टी ने नहीं करी जितनी बड़ी रैली कल हमारी जींद में हुई और इतना बड़ा जनसैलाब लोगों का। उन लोगों ने अपने आप वहां पहुंच के श्री अरविंद केजरीवाल जी को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को सुना और उन्होंने बताया दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, वहां हम मुफ्त बिजली पानी, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा और बेरोजगारी के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं।